हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार लाइनमैन साथियों। कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे अपने घर में दोस्तों, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको खबर पता लग गई होगी कि सभी एएलएम कैंडिडेट थे, उनकी मांग सिर्फ यही थी कि उनका रिवाइज रिजल्ट निकाला जाए। वो निकाला जा चुका है और उनकी अब सिर्फ एक ही मांग, कृपया हमारी ज्वाइनिंग जल्दी करवाई जाए। तो चयनित एएलएमओं की सिर्फ यही डिमांड है दोस्तों, और इसी के अंतर्गत वो अब अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए लगे भी हुए हैं दोस्तों, एकजुट होकर। और इनको एक युवा साथी भी लीड कर रहे हैं, काफ़ी युवा साथी जो एएलएम सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो अपना सहयोग कर रहे हैं दोस्तों, और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं दोस्तों। तो इसके रिगार्डिंग एक अच्छी लीडिंग करना बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर आपकी अन्य भर्तियाँ भी हैं तो सरकार आपके साथ है, सरकार और संविधान के अनुसार अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करें दोस्तों, और एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग आप उठा सकते हैं। आपकी भी जो ज्वाइनिंग है या कोई प्रोसेस है वो जल्दी ही पूरी की जा सकती है, और कोर्ट केस और भड़काऊ और अफवाहों से दोस्तों बिल्कुल बचें। और इसी के सराहनीय कदम अपने युवा साथी मुकेश मचाल ने काफ़ी अच्छा लीड करते हुए एएलएम भर्ती को आवाज़ उठाई है दोस्तों, तो उनकी हम बात सुनेंगे। और इसी प्रकार से आप भी अपनी भर्ती की दोस्तों आवाज़ उठा सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से। तो मेरी आपसे यही एक गुजारिश थी कि अगर आपकी भर्तियां भी लटकी हुई हैं तो आप भी इसी इन्हीं की तरह, एएलएम साथियों की तरह ही अपनी मांग उठाएं। सरकार आपके साथ है दोस्तों, सब संवैधानिक तरीके से। तो चलिए आइए सुनते हैं इनके विचार। नमस्कार सभी साथियों, जैसा कि आप सबको पता है हम एलम सिलेक्टेड कैंडिडेट है। आज सुबह हम एचएसएससी ऑफिस इकट्ठा हुए थे, उसके बाद हमारा सीआईडी ने और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बहुत साथ दिया है। हमारे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने हमें बहुत प्रोटेक्शन दी और अपने आवास तक पहुँचने में बहुत मदद की है। हम यूएचपी गए थे, एचएसएससी चेयरमैन सर से मिले हैं। चेयरमैन सर ने हम आश्वासन दिया कि आज रात को आपका रिजल्ट रिवाइज कर दिया जाएगा 12 बजे तक। और हम सीएम सर के हाउस पे भी मिले, हमें वहाँ बहुत अच्छे से हमारी समस्या को सुना गया, और यूएच डिपार्टमेंट में फ़ोन भी किया गया कि इनका काम फास्टली किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद एचएसएससी चेयरमैन सर का, मनोहर लाल खट्टर सर का, बीजेपी सरकार का। बहुत अच्छा काम कर रही है हरियाणा सरकार। इस टाइम बीजेपी सरकार ने एक पारदर्शिता दिखा के गरीब बच्चों को मिलने का मौका दिया है, वरना कभी ऐसा हमने देखा नहीं था कि किसी सरकार में ऐसा होता था कि आम बच्चा जाके, आम बंदा जाके आवास, सीएम सर के आवास पे जाकर मिल ले और उनको अपनी प्रॉब्लम बता सके। हमें पूरा आश्वासन दिया गया कि आपका काम जल्दी जल्दी कर दिया जाएगा। धन्यवाद हरियाणा सरकार और एचएसएससी का, बहुत बहुत धन्यवाद।